नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर ठंड का प्रकोप रहेगा, तो कई जगहों पर तेज हवाएं चलने और बारिश से भारी मौसम में परिवर्तन होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो कैसा रहेगा पूरे मध्य प्रदेश का मौसम, कौन से जिले में मौसम बदलने वाला है, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप भी दोस्तों भोपाल, जबलपुर, कटनी, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, भिंड, सागर, नीमच समेत किसी भी जिले का शहर में रहते पूरे एमपी के, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों मौसम में भारी परिवर्तन है, कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही है, भारी ठंड का प्रकोप है और मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो विभिन्न इलाकों पर लगातार उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी भोपाल में भी भारी ठंड पड़ रही है और उतार चढ़ाव के साथ मौसम में बदलाव है और यहां पर बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान घना कोहरा छाए रहने और बारिश से भारी ठंड का प्रकोप रहने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी भी ग्वालियर और इंदौर में घना कोहरा रहने के आसार है। 1 किलोमीटर तक दोस्तों जो है कई जगहों पर ठंड पड़ रही है, जबलपुर में कोहरा काफी ज्यादा पड़ रहा है, भोपाल में भी बताया जा रहा है कि सुबह के समय हल्का कोहरा, तो अगले कुछ दिनों के दौरान ग्वालियर, चंबल में कोहरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सभी संभागों का मौसम शुष्क रहा और मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश के सभी संभागों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर और नर्मदापुरम जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा है। वहीं ग्वालियर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम और शेष संभागों में तापमान सामान्य दर्ज किया गया है। उत्तरी हवाओं के कारण दोस्तों प्रदेश के कई जिलों में रात का 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ चुका है। दतिया सबसे ठंडा रहा, यहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के नीचे आ गया है। इसके अलावा धार, गुना, ग्वालियर, पंचमढ़ी, राजगढ़, रतलाम, खजुरा, नौगांव और सागर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने दोस्तों अगले 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में जो है मामूली बढ़त की संभावना जताई और पश्चिम उत्तर हवाएं पहाड़ों से बर्फीली हवाएं लेकर आ रही है, जो कि आज बदल जाएगी और इसके चलते दिन और रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी और ठंड का प्रकोप भी दोस्तों लगातार उतार चढ़ाव के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ ठंड है, तो कई जगहों पर लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक एक जिले की बात की जाए तो पूरे के पूरे जबलपुर में रात के समय 15-16, तो दिन में 26-27 और बादलों की वजह से भारी ठंड का प्रकोप है। कटनी में दोस्तों 13-14 रात के समय, दिन में 26-27 और भारी ठंड का प्रकोप है। भोपाल में 12-13 रात के समय, दिन में 24-25-26 और भारी ठंड का प्रकोप है। सीधी में 13-14 रात के समय, दिन में 24-25 और भारी ठंड का प्रकोप है। बड़वानी में 16-17 रात के समय, दिन में 27-28 और भारी ठंड का प्रकोप है। ग्वालियर की बात की जाए तो 6-7 रात के समय, दिन में 20-21-22 और भारी ठंड का प्रकोप है। धार में दोस्तों 15-16 रात के समय, दिन में 27-28 और भारी ठंड का प्रकोप है। उज्जैन में 12-13 रात के समय, दिन में 26-27 और भारी ठंड का प्रकोप है। हरदा की बात की जाए तो 16-17 रात के समय, दिन में 28-29 और भारी ठंड का प्रकोप है। शिवपुरी की बात की जाए तो 7-8 रात के समय, दिन में 20-21 और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। मंदसौर में दोस्तों 11-12 रात के समय, दिन में 24-25 और भारी ठंड का प्रकोप है। रायसेन में 11-12 रात के समय, दिन में 24-25 और भारी ठंड का प्रकोप है। शाजापुर में 11-12 रात के समय, दिन में 26-27-28 और भारी ठंड का प्रकोप है। विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, भिंड, सागर, नीमच, दतिया, पन्ना, शिवहर, रीवा, शिवनी समेत विभिन्न इलाकों का मौसम बदलेगा और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। तो यह था आज का मौसम सिस्टम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।